नमामी म्यूजिक का दूसरा गाना शूट कर रहे हैं सौरभ और प्रिया के साथ। सौरभ ने कहा कुछ कर दो दीदी, आवे यार काहे की दीदी हुई आपने यार। इन दोनों को पिंक सूट में देख के बधाई दी जा रहे हैं। ओह नो, तो दोस्तों हम अचानक से एक दिन गोवा गए थे अपना गाना शूट करने। ये जो हर्ष ने क्या नाम रखा है इसका, उसका नाम हमने रखा हुआ है लो फाई लव। तो वो आज लोफी लव बोल रही थी, वो लो फाई है। ठीक है, वो आ रहा है जी 23 तारीख को, आप जरूर देखिएगा नवामी म्यूजिक पे और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और अब आप वो वाला व्लॉग देखिए जो हमने गोवा शूट किया था जब हम गाना शूट करने गए थे। ऐसा करते ना लोग व्लॉग में कि अब आप वो देखिए, हैव अ लुक प्लीज। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल LOL। सुबह के 5 बजे हैं और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। हर्ष जा चुका है। गोले कहाँ जा रहे हैं हम? डिंगरा। GOA कहाँ जा रहे हैं? डिंगरा। ये इसकी अलग जगह होगी, वैसे हम गोवा जा रहे हैं। तो आज हमारा गाना शूट है। हम गाना शूट कर रहे हैं सौरभ और प्रिया के साथ। प्रिया। So, गोवा में शूट है, चलते हैं। डर लग रहा है थोड़ा, अकेला गोले को लेके जा रही हूँ क्योंकि वैसे लेके जाती, बट इस बार पांडे जी भी नहीं है। वैसे तो बड़ा हो गया, तंग नहीं करोगे ना गोले आप? गोले आप तंग नहीं करोगे? करेगा, चुप है तो करेगा। करेगा तंग? पिंगला समझे, पिंगला दूंगा कहता है गोले। गरी। फोटो 1000 रुपीस। 1000 चलेगा। हाउ स्वीट यार, ये देखो ये सब नाइट शिफ्ट वाले हैं। सब नाइट है, सब नाइट। इसकी लिपस्टिक गई बस, बाकी सबकी है। औरत ही औरत को नहीं समझती, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। ये नहीं मुझे समझ रही है मेरी क्या हालात है इनको ये, पर फिर भी कहती फोटो फोटो फोटो। आपकी नाइट ड्यूटी थी? हाँ जी। नई नई शादी हुई है? हाँ। वेरी नाइस, नाइट ड्यूटी ही करनी है। नहीं है ना यहाँ पे। कहाँ गया? कोलकाता। खूब खोद रहे थे तुम्हें? मैं अपने मुंह बोलने की कोशिश कर रही हूँ। दीदी जो मैं और गोला बैठे हैं, इसको सब बड़े लोगों की तरह इस सीढ़ी में खड़े होके जाना है, बच्चों की तरह नहीं। छोटे छोटे शूज। गोले फैन कहाँ होता है? अच्छा बोलो GOA। फैन हो रहा। अच्छा GOA फैन, GOA गोवा। किला नहीं होता गोवा। हर्ष इस वक्त आराम से अपने बेड पे सोया है, बट हमारी ऐसी तैसी हो रही है इस बच्चे के साथ। मच्छर वाली गाड़ी में हमको बिठा दिया गया है। oh, no! सोचा था फ्लाइट में बैठ के सो जाओगे, बट 40-50 मिनट की फ्लाइट है, सोने का मतलब नहीं। चलते सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बता रहा है ये विस्तारा भी। एयर होस्टेस। क्या बात है यार, हैशटैग भारत की उड़ान। हाँ जी, कौन मोदी जी है? मैं बस क्या करूँ, ध्यान रखना पड़ता है। शादी के कुछ साल बाद अपना ध्यान रखना पड़ता है, वरना पति दूसरी शादी कर लेगा। सो गाइस, मैं और गोला ट्रॉली में जा रहे। मैं बड़ा सोचती थी कि मेरा बच्चा हो, मैं ट्रॉली पे बैठा हूँ। अभी वो दिन आ गए। चलो चलो, तो दोस्तों आज हमारी नूर कैमरामैन है और नूर ने पूरा 40-45 मिनट गोवा की फ्लाइट में जो लम्मा लेट हुई है, ये अंकल और आंटी के बीच में उनकी बेटी बनके जो सोई थी शॉल लेके, मतलब 1 घंटा फ्लाइट रुकी रही, हम अंदर थे तब भी सो रही, फिर उड़े तब भी सो रही, अब 1 घंटा गाड़ी में जाएंगे होटल तब भी सोएगी। A few moments later.
सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो सोने दो। पापा, मेरे पापा, पापा के बाबू, पापा मेरे पापा, मेरे पापा। सो दोस्तों हम आ गए हैं वहीं, यानी कि लाग कबाना, मेरी फेवरेट जगह। और मैं बता दूं कि हम नवामी म्यूजिक का दूसरा गाना शूट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एमरजेंसी नहीं मतलब फटाफट ही हो गया, आना पड़ा गोवा। और ये हमारे म्यूजिक लेबल नवामी म्यूजिक का सेकंड गाना है, और ये कर रहे हैं हम सुपरस्टार सौरभ जोशी और प्रिया धापा के साथ। सो अभी शूट चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी, बट अभी फटाफट जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत भूख लगी है। हीरो हीरोइन, ओके, हीरो और हीरोइन बोले ने ज्वाइन कर लिया है लाग कबाना। ये क्या हो रहा है? और उनका मुंह देखो कितना गुस्से से ऐसा हुआ, वो बच्चे ने पकड़ ली। चलो भाई, उनका कीचड़ कर दिया, उनका गार्डन है, कीचड़ थोड़ी। बाबू इधर आ जाओ, इधर भी पानी दो। हमारे छोटे से माली काका। सो भाई ये दोनों बच्चे बने हुए हैं, और ये दादा का मुंह देखो। दादा मैं तो कहती हूँ आप चाटा मारो बच्चे को, नहीं बड़ी को। वो दादा कह रहे हैं मैं चाटा नहीं मार सकता, बड़ी औरत को डंडा मार सकता हूँ। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। तो गाइस मैंने कैप पहन ली है, इनकी तरफ देख के मैंने बोला ये दीदियों ने कैप पहनी है, धूप से फर्क पड़ता है कि नहीं। फिर मैंने हर्ष की कैप पहन ली, और वाकई यार कैप पहन के ना धूप में बहुत फर्क पड़ता है ना। कैसी है दीदी? कैसे हो भैया? भैया आप यहाँ पे केकड़ा बेचते थे ना? खाकसार को लोग केकड़ा बोलते हैं। बताओ केकड़ा, बताओ कौन सा छोटा केकड़ा ना? आपके हाथ में केकड़ा था, मुझे लगा आप केकड़ा बेचते हो। चलो केकड़ा बेच। चलो ये बाप बेटा यहाँ पे फॉरेनर्स देख रहे हैं। ये दीदी लोग ने मुझे बताया, ये दीदी लोग आई रोती हुई, कहती दीदी आपका मर रहा उधर, अंग्रेज लोग को देख रहा है, अंग्रेज लोग रो रही थी, कहती दीदी मैं आ गई। कैसे हो दीदी आप लोग? यार आप लोग बड़ी सुंदर हो, सबकी आंखें बड़ी सुंदर है। आप सब गोवा के ही हो? तो यहाँ पे जब काम के लिए क्या करते हैं आप? ब्रीडिंग करते हैं। सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मेहनती हैं यार, मतलब इनका सामान खरीदना चाहिए, सब चीजें करनी चाहिए, है ना? मेहनत अच्छी बात है। सुंदर है यार ये सारी। सो गाइस गाना शूट हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बट वही के काम काम है। बट अपने साथ जिंदाल साहब और सिंघानिया साहब आए हुए हैं। ड्रीम वाली है मैं, ख्वाब वाला हूँ, तू स्क्रीन वाली है मैं किताब वाला हूँ, तू गोरी गोरी है मैं थोड़ा काला हूँ, तू ही गोरखती है मैं छोड़ यार वाला हूँ। One hour later. इतना बड़ा टाइगर ब्लैक कलर के जंगल में था, जंगल में था, और फिर वो टाइगर जा रहा था, टाइगर ने बोला, साथ में बाबू था और कौन था? बाबू था, पप्पा थे, मम्मा थी, और कौन था? और कौन था बाबू? अंगूरी आपा, कोई आपा है जिनका नाम अंगूरी है। ब्लैक कलर के जंगल में बाबू जा रहा है, सामने शेर है, और बाबू क्या करेगा सोचो? क्या करेगा बाबू? शुशु करेगा। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। बाबू कौन कौन था जंगल में? बाबू, बाबू ये शेर बन के डराता है भारती। बाबू सुगाई साहब। तो मैं बता दूं कि गाने में हम भी हैं, मैंने बताया कि नहीं पता नहीं, थोड़े से हैं हम, मतलब थोड़े से नहीं मतलब होंगे कुछ। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 20 सेकंड। सो एक ड्रीम सीक्वेंस है वैसा कुछ है, तो मैं और हर्ष हैं। सो ये देखिए भाई शूट कर रहे हैं बेचारे, अभी आधे घंटे में एक ना एक बंदा बेहोश होगा। भाई उठ गए दोनों। देखिए गाइस हमने ये सेटअप बिल्कुल नहीं रखा था, बीच के पास रखा था शूट, लेकिन सौरभ ने कहा कुछ कर दो दीदी, आवे यार काहे की दीदी हुई आप दे यार,
फिर हमने यार अपने बच्चे के दूध नहीं मंगाया लेकिन इसका सेटअप करवा के दिया उन पैसों से। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। अरे साहिल भी आए हैं। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। ड्रीम वाली है मैं, ख्वाब वाला हूँ तू, स्क्रीन वाली है मैं, किताब वाला तू, गोरी गोरी है मैं, थोड़ा काला हूँ। वाओ जी भैया, इतना बड़ा लाइट मैन भाई, बजट पता लग रहा है ना शूट का क्या है। ये देखिए, हेलो लिम्बाजिया साहब, कैमरा बंद कर। ये नहीं कि चार पैसे खर्च के दो आदमी बुला ले, खुद कर रहा है ये। और ये नहीं कि सौरभ भी चार पैसे खर्च के फोटोग्राफर बुला ले, अपने भाई को करवा रहा है। यार मत किया करो तुम लोग ऐसे, यार पैसे खर्चो, लोग लाओ। और ये हाई लाइट दे रहा है यार। तो गाइस, अगर आपको कम बजट में शूट करवाना है और लाइट मैन चाहिए तो पिंक सूट में आपको गोवा के बीच में जो लड़का घूमता मिलेगा वो लाइट मैन है। और हमारी बातें सुनते हुए पहाड़ के कुछ लोग, अरे भैया हाय सौरभ, हाय यार, हाउ आर यू? छह मीटर डेढ़ मीटर। गाइस ये हमारे गाने का सेटअप है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर हैं, वो इन दोनों को पिंक सूट में देख के बधाई दे ही जा रहे हैं। सो स्वीट यार। अरे सौरभ भी देख कैसे है, शर्माई जा रहा है। बड़ा अच्छा है, संस्कारी है यार, ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल। साहिल तेरा भाई सेटअप ऐसे ही होना है सब, प्री वेडिंग का बहन की तरफ से गिफ्ट है, पर गोवा आना पड़ेगा। पर लड़की कहाँ है? राजा जी लड़की कर लेंगे भाई, लड़की तो बनवा लेंगे कारपेंटर को बोल के, अच्छी प्लाईवुड की लड़की बनाएंगे। प्लाई चल तू प्लाई टू डिसाइड कर ली कौन सा, ठीक है? सनमाइका तेरा। बेटी की विदाई के बाद बाप अकेला रोता हुआ, इतने नाजों से बिटिया पाली थी, अब कैसे करूँगा। बट पिताजी आपकी टांगे तो बिटिया से भी गोरी है। ये बड़ा बेचारा मेहनती है, मैंने इसको दो तीन बार दिन में सुन्न हुआ भी देखा ऐसे करके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो गाइज आपने गाना ज़रूर देखना है और हमारे गाने को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। आप लोग भी हमारा गाना देखोगे ना, और आप देख लो कितनी मेहनत हो रही है। नथी आवड़ी गई हाय रब्बा मेरी। हर्ष भाई गुजराती छे, कम पैसे में बजट उधर लॉक करे छे, वो अपना धंधो करे छे। मैं हूँ धंधो नो गंदो छोकरो। वाह अरे बाप रे, मुझे लगा कोई लड़की बैठी है गोरी टांगो वाली, पर ये तो लड़का निकला। और डेढ़ मीटर कपड़ा फिर से लहराता हुआ। So, दोस्तों जब कोई प्यार में होता है तभी ऐसे अकेले बैठता है। तो मेरा भाई याद में बैठा था या अकेले बैठा था? नहीं ऐसे बस। चल झूठा, इतना हैंडसम लड़का हो ही नहीं सकता कि साहिल की गर्लफ्रेंड ना हो। साहिल सच्ची दस है कि नहीं? मुस्कुरा नहीं, नहीं? हाँ यार नहीं है, क्योंकि इसके ब्लॉग नहीं देखे, लड़कों के साथ ही घूमता रहता है। सो बट कोई बात नहीं, लड़की बहुत अच्छी मिलेगी। साहिल हमारा बहुत थोड़ा ऐसा वाला नहीं, बड़ा शांत वाला लड़का है। आजकल के लड़के होते हैं नहीं, बट ये बहुत 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 जेन्युइन लड़का है। सो आज साहिल के साथ ही ब्लॉग एंड करती हूँ। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, मुझे लगा बर्फ में होंगे। अरे भाई बर्फ जा रही है, सॉरी लाइट जा रही है।